पहले रियलमी 1 आता है, मार्केट में आग लगाता है, चला जाता है। उसके बाद रियलमी 2 आता है, इट डज द सेम। फिर रियलमी 2 प्रो, ये कतई जहर। और भी कुछ रियलमी के फ़ोन आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आग लगा दी मार्केट में। और अब रियलमी 3 आया है, आग तो फॉर श्योर ये भी लगाए गई, फायर ब्रिगेड आएगी, आग बुझा देगी, दैट्स ऑल। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये कहना चाहता हूँ यार, मतलब ना रियलमी क्या हो गया, मतलब क्या मस्त फ़ोन्स निकाल रहा है, मतलब इसे ना एक बजट फ़ोन्स का किंग कह सकते हैं। मतलब MI को भी पीछे छोड़ दिया इसने, काफ़ी पीछे छोड़ दिया। मतलब जितना कम हो सकता है ना उतने कम प्राइस में ये बेस्ट से बेस्ट फ़ोन दे रहा है हमें। तो रियलमी ने नया फ़ोन लॉन्च करा है, रियलमी 3, जो कि 12 मार्च को ऑन सेल आएगा फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला वर्जन आपको मिल जाएगा 9,000 रुपये का, और जो यहाँ पर 11,000 रुपये में आपको मिलेगा इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वर्जन। यार इस फ़ोन में ना हर चीज़ बिल्कुल टॉप नॉच दी है। तो शुरू करते हैं डिस्प्ले से। तो गाइज़ यहाँ पर आपको 6.2 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि आता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। यहाँ पर मैंने बड़ा इसलिए हाईलाइट करा है ना, क्योंकि यहाँ पर आजकल 6 इंच से नीचे वाले फ़ोन मतलब ना लोग पसंद नहीं कर रहे, मतलब डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, छोटा तो भीम भी है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, जो कि रियलमी 2 प्रो में भी है, और यहाँ पर रियलमी 3 काफ़ी ज़्यादा बेजललेस है, बहुत ही कम बेजल्स हैं, थोड़े बहुत चिन में हैं, बाकी तो ना के बराबर ही समझ लो आप। और अब बात करते हैं गाइज हम इसके डिज़ाइन की। इस फ़ोन की एक खास बात बताऊँ क्या है, ये फ़ोन ना बिल्कुल देखने में यूनिक और ब्यूटीफुल सा लगता है। मतलब एक बार कोई देखेगा ना तो ये नहीं कह सकता यार एक सस्ता सा फ़ोन है, मतलब 9,000 रुपये में, मतलब दिखने में ना एकदम प्रीमियम सा लुक देता है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाइज एक 2-टोन यूनिबॉडी डिज़ाइन आता है, जो कि ग्रेडियंट में इसके कलर्स हैं ब्लैक और ब्लू है। यहाँ पर थिकनेस आपको 8.3 mm की मिल जाती है इस फ़ोन की, और वेट है 175 grams, थोड़ा हल्का सा हैवी, और हल्का सा अगर थोड़ा लाइट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की। तो इस प्राइस पॉइंट पे ना जो परफॉर्मेंस देता है ना वो बहुत ही गजब की है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ हो रखा है वो है MediaTek Helio P70। और इस प्रोसेसर को बनाने के पीछे मेन मोटिव था इनका लेस पावर कंजम्पशन और हीटिंग इश्यूज़ को कम करना। तो यहाँ पे MediaTek क्लेम करता है कि 35% लेस पावर कंज्यूम करेगा ये हीलियो P60 से, और 4.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होगा इसका। मतलब जैसे हीट होता है तो पहले जितना हीट होता था उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हीट होगा ये। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि हीलियो P70 में ना क्लॉक स्पीड P60 से बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है पर पहले से तो बेहतर ही है। जो यहाँ पे प्राइमरी CPU है उसमें 4 कोर्स गाइस क्लॉकडेन 2.1 GHz कॉर्टेक्स A73 पे, जो कि हीलियो P60 में 2.0 GHz पे क्लॉक थे, वो यहाँ पर अब 2.1 GHz पे क्लॉक है। कहने को तो 0.1 है लेकिन फिर भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है यहाँ पर। और दूसरा, जो यहाँ पर बाकी के 4 कोर्स हैं वो क्लॉकड है 2.0 GHz कॉर्टेक्स A53 पे ही, जो कि P60 में भी सेम ही था। और गाइस GPU की बात करें ना तो GPU भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्लॉक स्पीड इन्होंने चेंज कर दी है, जो कि हीलियो P60 में माली G72 MP3 वाला जो इनका GPU था वहाँ पर जो क्लॉक स्पीड थी वो गाइस 800 MHz थी, और यहाँ पर अब 900 MHz हो चुकी है, तो इससे भी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है यहाँ पर GPU की। मेन बात यह है ना कि यहाँ पर P70 में AI में काफ़ी फोकस है, और यहाँ पर पावर कंजम्पशन पे भी काफ़ी फोकस करा है इन्होंने, मतलब लेस पावर कंज्यूम करके आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये। मतलब बात यह है कि एट दिस प्राइस पॉइंट यू गेट एन ऑसम प्रोसेसर। गेमिंग में कोई कमी नहीं होने वाली, आप PUBG खेलो, आप Asphalt 9 खेलो, जो मर्जी आप गेम खेलो, मल्टीटास्किंग करो, आप फेसबुक चलाओ, चैटिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलेगी। बस अब बात करते हैं इसके कैमरे की। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, मतलब आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना, जिस फ़ोन में ड्यूल कैमरा सेटअप नहीं है वो कैमरा ही नहीं है, मतलब गूगल पिक्सल को छोड़ के। तो जो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा सेटअप है वो भी एक डुअल कैमरा सेटअप है 13+2 MP का, जहाँ पर आपको CMOS सेंसर मिलता है। और यहाँ पर जो 13 MP का कैमरा है वहाँ पर पिक्सल साइज है 1.12 microns का, और जो अपर्चर है यहाँ पर वो है f1.8 का। और वहीं जो 2 MP वाला कैमरा है वहाँ पर आपको पिक्सल साइज मिलता है 1.7 microns का, और अपर्चर है यहाँ पर f2.4 का। बात करें फ्रंट कैमरा जो कि सेकेंडरी कैमरा है, वहाँ पर भी आपको एक CMOS सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर पिक्सल साइज 1.12 माइक्रोन का है, और अपर्चर वहाँ पर f2.0 का है। अब गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो अगेन यहाँ पर ना मतलब कोई चीज़ में कसर नहीं छोड़ी है रियलमी ने, बैटरी भी यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी बैटरी दे दी है, जो कि है 4230 mAh की। ये उतनी बड़ी जितनी रियलमी 2 में है, लेकिन इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल गया है रियलमी 2 से, काफ़ी ज़्यादा बदल गया, क्योंकि यहाँ पर गाइस प्रोसेसर यहाँ पर जो है रियलमी 2 से बहुत ही बेहतरीन है, जो कि हीलियो P70 है, जो AI में फोकस करता है, और यहाँ पर ऑब्वियसली मतलब लेस पावर कंजम्पशन पे भी इसका काफ़ी फोकस है।
तो कुल मिला के बात यह है कि 4230mAh की बैटरी है, और मज़े की बात यह है कि हीलियो P70 को ऑप्टिमाइज़ करा है यहाँ पर लेस पावर कंजम्पशन के लिए। तो मतलब एक तो बैटरी बड़ी और ऊपर से उसमें से भी लेस पावर कंज्यूम होगी, तो ये समझ लो कितनी देर तक चलेगी आपकी बैटरी। इसी बात पे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो यार, क्या जाता है आपका, 2 मिनट तो लगते हैं। अब गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो जो चीज़ कम है उससे शुरू करेंगे, मैं कॉन्स बताता हूँ पहले इसके जो बुराइयाँ हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ना गाइस, इस डिस्प्ले की ना पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम है, यहाँ पर 271 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी है, थोड़ी कम है मतलब इस प्राइस पॉइंट पे तो ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले ही है। इस कहने को तो बस एक फुल वर्ड का ही अंतर है, लेकिन अगर वैसे देखें तो 1 बिलियन पिक्सल्स का फ़र्क आ जाता है इस रिजोल्यूशन में। मुझे तो गाइस यही कॉन्स लगे, बाकी और कुछ बुराइयाँ लगी नहीं मुझे। अब बात कर लेते हैं प्रोज की। प्रोज क्या, पूरे फ़ोन में पूरे ही प्रोज हैं। अगर शुरू करें तो बस शुरू करते हैं हम डिस्प्ले से। यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है आपको, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। दूसरी बात करते हैं अगर बैटरी की, तो इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है वो भी AI के साथ। एक तो बैटरी बड़ी, ऊपर से पावर कंजम्पशन भी आपका कम होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तीसरा बताऊँ तो गाइस प्रोसेसर हीलियो P70 से अच्छा क्या चाहिए इस प्राइस में आपको, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। चौथा बात करें तो गाइस यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी तेज़ है, वो भी प्रोसेसर की वजह से ही है, मैंने कई वीडियोस में देखा ना, लाइटनिंग फास्ट है। तो गाइस यही था इस फ़ोन के बारे में, प्रोज कॉन वगैरह भी हो गए, आपको समझ आ गया होगा कैसा है फ़ोन। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, अगर 9-10 हज़ार का आपका बजट है तो इस फ़ोन को ज़रूर प्रेफर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।